हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अभी का वीडियो है, घायल पीएलए सैनिकों में दो ने रास्ते में दम तोड़ा। और ये कहां से न्यूज आई? मुझे तो नहीं लगता वो चाइना वाले किसी भी तरह से वो तो रोकेंगे इस न्यूज को। और ये अगर मोस्ट लाइकली पाकिस्तान के पास ये न्यूज आई है, मुझे तो यही लग रहा है। तो वीडियो देख के पता चलेगा कि उनके दो जो थे उनका वाकई में उनकी डेथ हो गई। स्टेटमेंट आने चाहिए चाइना से, वो नहीं बताएंगे अभी तो, कुछ भी नहीं बताएंगे वो तो, कभी नहीं बताएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब किया, बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। उनका ख्याल था कि शायद इस वक्त इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहीं बैठ के पकोड़े खा रहे हैं या फिर वो वहां मौजूद ही नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बहुत जबरदस्त तरीके से इंडियन फोर्सेस ने ना सिर्फ ये कि चाइनीज फोर्सेस को रोका, बल्कि जो पत्थरबाजी वगैरह हुई उसमें कई लोग जख्मी भी हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वेबो, जिसके अंदर ये चीज निकल के आई है कि दो चीनी सैनिकों ने अपनी जान दे दी है इस तवांग की पत्थरबाजी में, जिसमें चाइनीज जो हैं उनका तो खैर नुकसान हुआ ही है, 50 जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि चाइना इतना बौखलाया क्यों है। तो जनरल साहब ने जिक्र किया, अगर फौज की ये हालत हो गई है कि फौज के जो पुर्जे हैं, जो हमारे जंगी साजो सामान है, उसके पुर्जे भी हम इम्पोर्ट नहीं कर सक रहे, लेकिन जब ये रोड बन जाएगी तो हम चाइना की मुश्किल बढ़ा देंगे। जो एडवांटेज चाइना का था वो चाइना का एडवांटेज नलीफाई हो जाएगा और इंडिया का एडवांटेज बढ़ जाएगा। कौन सी रोड की बात कर रहे हैं? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोड इंडिया बनाने जा रहा है, इससे चीन परेशान है। और फिर चाइना को भगा दिया, चाइना के जो लोग थे जो सोल्जर थे उनको बहरहाल एक तरह से टफ टाइम दिया इंडियन फोर्सेज ने। तो इंडिया एक रीजनल पावर है, ये चीज भी उनको पसंद नहीं आ रही है और चीन परेशान हो गया है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। वो तो दिखाया था ना कि वो रोड बना रहे थे, उनको तकलीफ हो रही है कि बॉर्डर के पास इतनी रोड क्यों बन रही है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में घायल सैनिकों में से दो चीनी सैनिकों की मृत्यु हो गई है। इसी बीच मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस झड़प को लेकर बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि त्वांग में 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने LAC पर अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों का बहादुरी से जवाब दिया। इस दौरान हाथापाई भी हुई और दोनों ओर से कुछ सैनिकों को चोटें भी आई। रक्षा मंत्री ने बताया कि PLA सैनिकों ने अरुणाचल के त्वांग सेक्टर में LAC पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए तत्पर है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि चाइना इतना बौखलाया क्यों है, गलवान के बाद तवांग क्यों, जब गलवान में रोड की बात, उसके सैनिकों की पिटाई हुई और नुकसान झेलना पड़ा, तो और इसकी सारी तस्वीरें लोगों ने शी जिनपिंग के जो कांग्रेस का जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था अक्टूबर के महीने में, हमने देखा कि वहां पे गलवान में जो कर्नल जख्मी हुआ था, जो मौत के मुंह से बाहर निकल के आया है, जो इलाज कराने के बाद में वो किसी तरह वो जीवित बच पाया गलवान के लड़ाई के बाद, उसने सारे कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स को ब्रीफ किया और जब वो बात कर रहा था कहते हैं कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गया और काफी लोग भावुक हो गए इस बात को देखकर। तो जब ऐसा तजुर्बा चीन के और पास किसी है, और की कंट्री तो चीन ने तवांग में ये दोबारा रिपीट करने का प्रयास क्यों किया। और इसमें भी खबर ये आ रही है, जैसे हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप है या ट्विटर है और जो सोशल मीडिया है, चाइना का ट्विटर है वेबो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो, जिसके अंदर ये चीज निकल के आई है कि दो चीनी सैनिकों ने अपनी जान दे दी है इस तवांग की पत्थरबाजी में। अब ये पत्थरबाजी 9 तारीख को, हमको ये समझना पड़ेगा कि वो चार ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो चीन परेशान हो गया है। तो अपन सिर्फ खबरों पर जाएंगे तो वो चार कौन सी खबर है जिसकी वजह से वो परेशान है। तो सबसे पहली खबर जिसकी वजह से चीन पूरी तरह परेशान है वो ये खबर है कि भारत ने हाल ही में ऐलान किया है कि 2,000 करोड़ रुपए की लागत से वो एक मैकमोहन रोड बना रहा है। ये मैकमोहन रोड
ट्राई जंक्शन जो भूटान इंडिया और चाइना का ट्राई जंक्शन है, आप नक्शा खोल के देखिए, जहां पर अरुणाचल का बॉर्डर यानी कि इंडिया का बॉर्डर, भूटान का बॉर्डर और चीन का बॉर्डर मिलता है, उसको ट्राई जंक्शन बोलते हैं, भूटान इंडिया चाइना ट्राई जंक्शन। यहां से ये रोड शुरू होगा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चलता हुआ और ये पूरी तरह ईस्ट में जाएगा। ईस्ट में कहां पहुंचेगा? ईस्ट वाला जो ट्राई जंक्शन है, यानी कि अरुणाचल का बॉर्डर, म्यांमार बर्मा का बॉर्डर और चीन का बॉर्डर जहां पर मिलते हैं, ये हो गया इंडिया म्यांमार चाइना ट्राई जंक्शन। तो ये एक लंबा रोड होगा और इसको मैकमोहन हाईवे बोला जाएगा, उसका नाम, ये काम भी चालू हो गया है और ये स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंस किस लिए होगी कि अभी फर्ज करो आपको तवांग से और ईटानगर जाना है, ईटानगर तो इसके लिए पहले आपको तवांग से तेजपुर आना पड़ेगा, तेजपुर से फिर तेजपुर यानी कि आसाम, और उसके बाद तेजपुर से आप ईटानगर जाएंगे। तो आप एक ही स्टेट में होके आप अपने कैपिटल तक नहीं जा सकते, क्योंकि वहां की पर्वत श्रृंखलाओं का बनाव की छोटे टाइम पीरियड में एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर भारत की मुश्किल बढ़ा सकता है। लेकिन जब ये रोड बन जाएगी तो हम चाइना की मुश्किल बढ़ा देंगे, जो एडवांटेज चाइना का था वो चाइना का एडवांटेज नलीफाई हो जाएगा और इंडिया का एडवांटेज बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड इंडिया बनाने जा रहा है, तो इससे चीन परेशान है। अब दूसरी चीज, दूसरी चीज इंडिया अमेरिका के नजदीक आते चले जा रहा है, क्वाड वाला सीन चल रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भारत का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। और अमेरिका ने अभी एक दो दिन पहले ही वहां पे किसी खास व्यक्ति ने ये कहा है कि इंडिया एक रीजनल पावर है, तो इंडिया एक रीजनल पावर है, ये चीज भी उनको पसंद नहीं आ रही। सबसे पहली न्यूज जी हम आपको देंगे भारत से, यानी कि भारत से, लेकिन उसके साथ साथ भारत के साथ साथ चाइना से भी। जी हाँ, भारत में एक जी कल आप लोगों को मालूम ही होगा कि LAC के ऊपर चाइनीज और इंडियन दोनों फोर्सेस में एक बार फिर झड़प हुई है, जिसमें चाइनीज जो है उनका तो खैर नुकसान हुआ ही है, लेकिन भारत की तरफ भी जो सोल्जर्स थे वो काफी इंजर्ड हुए हैं और किसी को ज्यादा और किसी को कम चोट लगी है, साथ साथ पत्थरबाजी हुई है और बहुत गलत है, इस तरह वैसे होना नहीं चाहिए। और साल खत्म हो रहा है और हमारा हमें यही ख्याल था कि शायद हमारे अंदर आने की जरूरत मत करो, कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से LAC के ऊपर जो है एक तरह का अटैक किया गया, उनका ख्याल था कि शायद इस वक्त इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहीं बैठ के पकोड़े खा रहे हैं या फिर नहीं, हम वेट कर रहे थे तुम वो आए उनको गोलगप्पे खिलाएं। और बहुत जबरदस्त तरीके से इंडियन फोर्सेस ने ना सिर्फ ये कि चाइनीज फोर्सेस को रोका, बल्कि जो पत्थरबाजी वगैरह हुई उसमें कई लोग जख्मी भी हुए, जिनमें इंडियंस भी शामिल हैं और चाइनीज भी, और फिर चाइना को भगा दिया, कहा यही जा रहा है कि वो कोई हिस्सा था इंडिया का जिसपे वो कब्जा करने के लिए आ रहे थे, और उनका ख्याल था कि क्योंकि इस वक्त इंडियन सोल्जर्स मौजूद नहीं है और तो हम इसके ऊपर बड़ी आसानी से काबू पा लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और चाइना के जो लोग थे जो सोल्जर्स थे उनको बहरहाल एक तरह से टफ टाइम दिया इंडियन फोर्सेस ने। हमें खैर दोनों से ही हमदर्दी है और है? मैं यही कहूंगी कि इसके दोनों से कैसे हमदर्दी होगी, क्योंकि ये चीजें हम पहले ही भुगत रहे हैं, अफगानिस्तान साइड पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कुछ चल रहा। तो फ्रेंड्स लास्ट में तो कर बात जो कर दी उसके बाद तो मैं हो गई हूँ पाकिस्तान, वो क्या बोली ना कि हमें दोनों से हमदर्दी है, मतलब चाइना से भी हमदर्दी है और इंडिया से भी हमदर्दी। भैया दोनों से हमदर्दी नहीं हो सकती, एक से ही हो सकती है। अगर चाइना से हमदर्दी है तो इंडिया की तरफ से तो तुम सबको बटाटा बाय बाय, वो तो उनके अलायंस है, वही तो देख लो, दिख ही गया, मगर आ जाती है बात समझ। अब जाके फाइनली पता चला कि चक्कर क्या था रोड का, और जो ईटानगर कह रहे हैं वो मेरे ख्याल से अरुणाचल में है और मेरे ख्याल से मणिपुर में इम्फाल है शायद, इतनी याद नहीं, मैं तो बड़ी यही लग रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जो रोड बन रही है वो क्रिटिकल है। हाँ, और उनको ये तकलीफ है कि उनके हिसाब से वो कहते हैं उसे साउथ तिब्बत, तो हाँ, यहाँ पे रोड बननी चाहिए हर हालत में, बनेगी रोड बननी चाहिए, उसका जितना डिफेंस करना है डिफेंस करिए, फोर्स लेके जाइए, पूरी बढ़िया रोड बनाइए, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। और ये भी पता चला
गवर्नमेंट को पता था इसका मतलब कि कुछ होने वाला है, और गवर्नमेंट रेडी थी, विच इज वेरी गुड। और जो इनका पता चला कि इनके जो दो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ भी हो गई है, वो भी इन्हीं के थ्रू किसी सोशल मीडिया में उन्होंने चाइना में ही लोगों ने ये बात अब निकाल के बताई है, और अब धीरे धीरे और पता चलेगा कि कितनी इनकी कैजुअलिटीज हैं, वो भी एक अमेजिंग। राइट, अब देखिए कि इंडिया को और भी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, अलर्ट तो रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी की कैजुअलिटीज होती हैं फिर वो और प्रिपेयर करता है कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर के लिए, बताए। इसलिए इंडिया को और मॉनिटर करना है, और फोर्सेज भरनी, और अलर्ट रहना है, और मेक श्योर करना है कि रोड तो बन के रहेगी, बन के रहेगी, देखते जाओ। तो आप ही बताओ, हमारी टेरिटरी है, हम कुछ भी करें उनको नहीं इंटरफेरेंस होना चाहिए, डिस्प्यूट है उनके लिए डिस्प्यूट ले, हमारे लिए नहीं है, तुम्हारा स्टेट है, सारी जगह बन के रहेगी रोड, और इंडिया को और भी पावरफुली मॉनिटर करना है, अपने फुल पावर से पूरी रोड बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।